हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो को हम लोग बहुत अच्छे से शुरू करने वाले हैं। बट एक चीज पहले, लास्ट की जो हमने वीडियो बनाई थी जिसपे फिट्सप्रेशन, हैंगरी और मेंस स्प्रेड के बारे में डिस्कस किया था, तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज उसको इस वीडियो के बाद जाकर देखना है, अभी नहीं जाना है, ठीक है। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है। तो आज जैसे हमने लास्ट वीडियो में 3 नए वर्ड हमने डिस्कस किए थे, सिमिलरली आज भी हम लोग शुरू करेंगे। तो लास्ट की वीडियो की तरह आकाश भाई, जो आपको जैसे आपको शुरू करना है आप इस वीडियो को शुरू करो, और आपके पास कौन सा वर्ड है वो सब लोगों के सामने लेकर आओ, ठीक है। तो हम लोगों का पहला वर्ड जो है, जो मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को, वो है रेथरिक। ओके, ठीक है। अब इसका मतलब होता क्या है कि आपकी कोई भी चीज ऐसा होता है कि यार कोई चीज जो है वो खराब हो गई है, राइट, या मर गई है, राइट, अब वो यूज नहीं हो सकती। कोई भी चीज हो सकती है, कोई इंसान, कोई लिविंग बींग भी हो सकता है, और कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है, ठीक है। अब उसको जब हम लोग रिकवर करते हैं या फिर रिस्टोर होती है अपनी लाइफ पे, या पहले जैसी बनने की कोशिश करती है, उसको हम लोग रिजरेक्ट बोलते हैं। यू मीन टू रेज फ्रॉम द डेड? यस, एग्जैक्टली। तो हम लोग जब रिस्टोर करते हैं उनकी लाइफ को, वहां पर हम लोग इसका वर्ड का यूज करते हैं। अब क्या, एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि एक हीरोइन है या कोई भी एक एक्ट्रेस है, उसका पूरा का पूरा हॉलीवुड करियर या बॉलीवुड करियर बिल्कुल खत्म हो चुका है। इट्स एन एंड, ठीक है, राइट। शी ट्राइज टू रिजरेक्ट हर बॉलीवुड करियर। ओके, वो क्या करने की कोशिश कर रही है कि अपने वो मरा हुआ करियर है या वो एंड करियर है, उसको दोबारा रिस्टोर कर रही है ताकि वो दोबारा उस बूस्ट से वापस आ सके। और आपने ऐसा देखा होगा कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐसा करती हैं कि बीच में बिल्कुल एक गैप आ गया, जैसे उनका करियर खत्म, बट फिर वो एक नई फिल्म या एक नई चीजों के साथ वापस आती है। और कई बार ऐसे हुआ है कि मेल एक्ट्रेस भी मैंने देखे हैं, कि मैं नाम तो अभी किसी का नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, पर ऐसा देखा था कि उनका पहला 5 ईयर उनका इंडस्ट्री में बहुत अच्छा चला, पर फिर वो सब कुछ बस स्पॉइल सा हो गया, मतलब सब फिनिश ही हो गया था, एंड आफ्टर सम ईयर वो दोबारा से उसी एनर्जी के साथ वो वापस आए, है ना, right. तो उस वहां पे उस वर्ड पे मतलब हम ले सकते हैं रिजरेक्ट, है ना। Exactly. और भी ले सकते हैं, जैसे कई बार पुराने जमाने में ऐसा होता था कि बहुत सारे राजा महाराजा बहुत ज्यादा जगह पे उन्होंने कब्जा कर रखा है, और कोई और आया और उसका राज्य हड़प लिया, राजा दोबारा अपना शक्ति बढ़ाई और उस चीज को वापस से, हाँ, रिजरेक्ट हिज ओन लैंड, है ना, रिजरेक्ट हिज ओन एम्पायर या किंगडम, इस तरीके से बोल सकते हैं। इवन और कह सकते हैं, हाँ, इवन ना इसमें मुझे एक और आता है जो आजकल ना बहुत पॉपुलर था, राइट, जो हम लोग यूज करते थे हमारे प्यारे गेम पबजी में। मैंने खेला नहीं है, मुझे पता नहीं, आप लोग बताओ। बताता हूँ, हम लोगों का नॉर्मली क्या होता था, भाई रिवाइव दियो, भाई भाई रिवाइव दे दे, भाई रिवाइव कर दे, ताकि वो दोबारा एक्शन मोड में आ सके। तो वहाँ पर रिजरेक्ट वर्ड जो है वो यूज हो सकता है। आज के बाद अगर कोई पबजी खेलेगा तो उसको पता रहेगा कि इसका मतलब क्या है। एग्जैक्टली, फोन के लिए भी यूज कर सकते हैं, कि कई बार हमारा फोन डेड हो जाता है और दोबारा जब हम ठीक करवाते हैं सर्विस सेंटर में जाके। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसे तो मैं अपने पर्सनल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी ये बोल सकता हूँ ना आकाश, कि आई जस्ट वांट टू रिजरेक्ट माय ओल्ड बाइक, मतलब मेरी पुरानी बाइक है तो मैं उसको वापस से रिकवर करके मैं लाना चाहता हूँ, है ना। अगर वो 15 साल पूरे नहीं हुए उसके तो ऑब्वियसली वरना नहीं ला तो तब भी सकता हूँ, उसके बाद फिर पुलिस वाले कुछ एक्शन लेंगे उस पर। मोहल्ले के बाहर नहीं जा सकते। अच्छा, एक और चीज है जो मैं चाहूंगा आकाश ही उसको आंसर देना इन अ फ्यूचर वीडियो, पर इसको मैं बेसिकली मेरा मतलब है रेजरेक्ट वर्ड को एक सेंटेंस फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट, एक सवाल के साथ, कि हाउ टू रेजरेक्ट आर या माई चाइल्डिश बिहेवियर, मतलब मेरा जो चाइल्डिश बिहेवियर था कभी, है ना, उसको कैसे मैं वापस से रिकवर करूँ, यही मतलब होगा आकाश, ऐसे यूज कर सकते हैं इसका। यस 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 यस, ओके। और बता सकते हो क्या आकाश आपने क्या बोला, फॉर दैट आई विल गेट बैक टू यू सून। जरूर जी। तो हम लोग आगे बढ़े, हम लोग डेजर्ट वर्ड से हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं मिस्टर नितेश के पास। तो भाई
आपके पास कोई डब्ल्यू से वर्ड था, वो एक मूवी में को याद है धमाल थी कौन है जिसमें डब्ल्यू के नीचे खजाना था, तो वही खजाने की शुरुआत आज नितेश करेंगे डब्ल्यू से। तो भाई आपके पास डब्ल्यू से कौन सा वर्ड है? खजाना मिल गया है तो मैं डब्ल्यू से स्टार्ट करता हूँ। व्हाटएव्स है हमने कई बार इसका यूज भी किया होगा, कई बार जो है वॉट एवर आपने वर्ड सुना होगा, वॉट एवर को रूड वे में वॉट एव्स कहते हैं। ओके अच्छा जिसको नहीं पता है वो तो वॉट एवर भी आज तक कहते ही रहता है ना, तो ये मतलब स्मॉल स्लैंग है अगर कहा जाए तो। हाँ स्मॉल स्लैंग है ना उसका, वॉट एवर का स्लैंग आ गया है, स्लैंग आ गया है और थोड़ा सा रूड वे में, कई बार हम गुस्से में होते हैं और वहां पे जो है वॉट एव्स तरीके से यूज कर देते हैं। तो एक एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझाऊं तो डू व्हाटएवर यू लाइक, कई बार हम गुस्से में होते हैं हां होते हैं और सामने वाला कई बार हमें बहुत सारी धमकियां दे देता है, अरे जो करना है वो कर दो, ऐसे बोलते हैं। ओके डू व्हाटएवर यू लाइक। ओके मैं अभी तक समझ रहा था कि एक पर्सन हमारी सुन ही नहीं रहा है, तो हां मैं भी इसी सिचुएशन में गया था कि कोई हमारी सुन नहीं रहा तो मैं डू व्हाटएवर यू लाइक, तो जो करना है कर। हाँ मैं भी यूज करते हैं। हाँ ठीक सही है। अच्छा और कोई सेंटेंस है इस पे? हाँ इस पे एक और है, कई बार दोस्तों में क्या होता है कि सारे दोस्त कुछ पंचुअल होते हैं कुछ लेट वाले होते हैं, लेट कमर्स में आकाश जैसे पंचुअल है मैं लेट वाला, आगे बताओ। तो कहीं पे जाना होता है, अब हम सीधा कई बार उसे फोन करते हैं, भाई जल्दी आ जा जल्दी आ जा, और सामने वाला फ्रस्ट्रेट होके बोलता है अबे जो करना है कर, निकलना है निकल जा, नहीं निकलना है मत निकल, रुकना है रुक जा, इस टाइप से बोलते हैं। एक्चुअली मैं हंस रहा हूँ, मुझे ना एक सीरियल याद आ गया अगेन। ओके तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक्चुअली। उसमें क्या होता है जेठालाल वैशाली इतिहास गवाह है उसका तो। इसी के ऊपर मेरे पास एक एग्जांपल है, If you don't hurry, I will go without you. अपने वाला frustrated होके कहेगा, okay whatever. ये तो भीड़े बोलेगा। वो ये बोलेगा भीड़े। जेठालाल बोलेगा, okay whatever. Okay. तो यहाँ पर जो है इस सिचुएशन में हम कई बार यूज कर सकते हैं और ये हर एक व्यक्ति के लाइफ में कहीं ना कहीं अधिकतर बार आया भी होगा। Okay. इस वर्ड को हम जो है इस्तेमाल करेंगे तो हमारा बार बार इस्तेमाल करने पे वो माइंड में आ सकता है। बिल्कुल सही है। तो हम लोग व्हाटएव्स के बारे में भी हमने स्टडी किया और रेजरेक्ट के बारे में भी हमने स्टडी किया, तो तीसरे वर्ड पे चलते हैं जो मेरे पास है वो है रिजिलियंस। मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, एक बार स्पेल कर देता हूँ, RESILIENCE। इसकी प्रोनंसिएशन क्या है? रिजिलियंस। ध्यान रखना ये रिजिलियंस नहीं है, रिजिलियंस। इसका प्रोनंसिएशन आप लोग ध्यान रखना। तो ये होता क्या है बेसिकली कि द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज या टफनेस। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत बुरी सिचुएशन में होते हैं और वहां पे जो हमारी जो कैपेबिलिटी है ना, हमारी जो कैपेसिटी है कि वहां से हम कितने जल्दी हम रिकवर कर पा रहे हैं, है ना, तो उसी जो एबिलिटी को उसको रिजिलियंस बोलते हैं। बिल्कुल। या कई बार इसका मैं दूसरे सेंस में अगर बोलूं तो कोई एक शेप है जो हमने वो जो खराब हो गई है तो वो शेप कई बार जो वापस रीगेन होती है तो उसको भी रिजिलियंस कहते हैं। मतलब हिंदी में कई आप इसका देखोगे तो लचीलापन भी आएगा रिजिलियंस का मतलब। रबर है उसे खींच के बड़ा कर दिया छोड़ दिया तो वापस उसी शेप में आ उसी शेप में आ जाएगा। हाँ okay. तो यही आएगा। तो वैसे ही जैसे मैंने एग्जांपल इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जब जैसे एक आकाश को होता है ना, जैसे हम पानी की बोतल कई बार बाहर हम पीते हैं बिस्लेरी की लेकर के, और हालांकि उसे ऐसा सजेस्ट किया जाता है क्रश करके उसे कहीं फेंको, है ना। तो हालांकि मैंने तो एक सीरीज में देखा था कि वो ढक्कन को अंदर डालना चाहिए क्रश करने से पहले, है ना, ताकि वो बोतल जो है वो दोबारा उसका ना रहे, है ना। पर नॉर्मली लोग ऐसा नहीं करते, वो बस ऐसी नॉर्मल ऐसी बाहर से क्रश करके छोड़ देते हैं। अच्छा वो बोतल का ढक्कन अंदर जाता है? अंदर डालना चाहिए दबा के वरना अगर नहीं डालेंगे तो क्या होता है। मैं इसी से अब इसी रिजिलियंस से मैं आपको समझाता हूँ कि जो जो वो जो प्लास्टिक बोतल जो प्लास्टिक वाटर बोतल है हमारे पास
हैज रेजिलियंस कैपेसिटी, अगर उसको हम उसकी जो कैपेसिटी लचीला पला है उसको हम फूकेंगे ना दोबारा से, तो दोबारा से अपनी शेप को वो रीगेन कर लेगा। तो ये है रेजिलियंस। और जो मैंने आपको बताया कि टफ सिचुएशन से बाहर आना या वो बहुत क्विकली रिकवर करना, तो उसमें मैं एक एग्जांपल मैं आप सबको बताता हूँ। अभी आप सबको पता है कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्राइसिस आया, आपने बहुत सारे नए वर्ड्स भी सीखे होंगे, पेंडेमिक आपने सीखा होगा, क्वारंटाइन आपने सीखा होगा, है ना, ये सारे सीखा होगा। तो मैं इसी से जुड़ता हुआ रेजिलियंस का एक वर्ड बताता हूँ आपको, कि पीपल शोड रिमार्केबल रेजिलियंस ड्यूरिंग लास्ट पेंडेमिक या ड्यूरिंग द पेंडेमिक। कि जो पेंडेमिक आया था ना, जो महामारी का दौर आया, उसमें लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्गली रिकवर करने के वो एबिलिटी को शो किया और वो आए भी। तो आप ऐसे सिचुएशन में आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक समझ गया। आकाश, इसका आपके पास कोई और एग्जांपल है तो आप भी बता दो। यार एक ना मुझे थोड़ा सा बचपन से ही याद आती है कुछ कुछ चीजें। तो मैं बताता हूँ कि हम लोग बचपन में जो हम लोग साइकिल चलाना सीखते थे या चलना सीखते थे या कभी भी हम लोग ना कुछ नई चीज करते थे, तो ये तो हम लोगों को प्रेटी श्योर है कि कुछ ना कुछ लग तो हमें जाता ही था, चोट लग जाती थी या कुछ झरीट लग जाती थी, है ना, स्क्रैचेस पड़ जाते थे। बट ऑन दैट टाइम जब हमें चोट लग जाती थी तो वो ना जल्दी रिकवर करती थी हमारी बॉडी ही। हाँ बिल्कुल, वो भी इस तरीके से यूज किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। Has a incredible resilience, power or strength. हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल. At the time of childhood या हम लोग के अभी भी हमारा कट लग जाए तो बहुत जल्दी recover करता है, हमारे body के पास ये strength है, खुद को इतनी fast recover करने की. तो I hope कि आपको आज के तीनों word ये काफी अच्छे लगे होंगे। मेरा word था। अच्छा, बताइए। Her natural resilience helped her overcome the crisis. मतलब कि उस क्राइसिस से जो है ओवरकम होने में जो है उसको सहायता मिली बहुत जल्दी। ठीक है थी, तो थी। आज के ये जो वर्ड हमने तीनों सीखे, आई होप कि आपको काफी अच्छे लगे होंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है, जो बार बार मैं करता भी हूँ आप सबसे, हम सभी लोग करते हैं, कि उन पे एक सेंटेंस प्यारे प्यारे से बनाए, छोटे छोटे से बनाए और कॉमेंट सेक्शन में जरूर डालें। तो आज के कौन कौन से वर्ड थे? रिजिलियंस, रेजरेक्ट और व्हाट इफ्स। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। बाय बाय।